विधानसभा चुनाव से पहले लगातार जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेताएं बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आज जो है कोल्हान प्रमंडल के बोहरागुड़ा में शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की जनता से बड़े वादे कर दिया। कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही 2.87 लाख नौकरी देंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से हमेशा ही इस तरह का वादे जो है किया गया है और आज भी कर दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की जनता से बड़ा वादा कर दिया। कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही 2,87,000 युवाओं को नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी सिंहभूम के बोहरागुड़ा में सोमवार को परिवर्तन सभा में वो वादा किया है। उन्होंने परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना 4 साल पहले क्यों नहीं लाई। अभी विधानसभा चुनाव से काफ़ी नज़दीक जो है इस तरह की योजना लाना सरकार क्या संदेश देना चाह रही है। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि आखिरकार झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही मैया सम्मान योजना क्यों। जगह जगह पर इस तरह की चर्चा बनी हुई है। लेकिन 4 साल 10 महीने किसी को नौकरी नहीं दी। अब चुनाव आए तो दौड़ करवाने लगे पुलिस की भर्ती की दौड़, जिसमें 15 नौजवान अपने प्राणों से हाथ धो कर ले, वो हत्या है, हादसा नहीं है। कोई नौकरी नहीं दी, अगर जाना होता तो पहले क्यों नहीं दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंटरनेट बंद कर दिया। अरे जो सरकार नौकरी के लिए तो मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं करवा सकता, बताओ वो झारखंड चला सकता है क्या? चला सकता है क्या? हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ना तो भरिया जी। और आज झारखंड के नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं 3 लाख लगभग 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां पद खाली है, मिली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट का फैसला करके नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। हम नौजवानों को रोजगार हम धन्यवाद। क्या बात है बताइए, ये कैसी मिट्टी है? मेरी बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये बहनें ये लाल कपड़े और अलग अलग पोटली में मिट्टी लेके आई है, मिट्टी। और ये बहने मुझे कह रही है कि आज झारखंड की धरती पर माटी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, रोटी सुरक्षित नहीं है। और कह रही है कि तीनों को सुरक्षित करें भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, जेपी नड्डा जी की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, ये वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहलाई है, यहां की माटी भी सुरक्षित रहेगी, यहां की बेटी भी सुरक्षित